ये देखो फ्रेंड्स किस तरीके से आम को भाई डिजाइन से काटा गया है ना? भाई अमेजिंग सा ये लग रहा है। हाँ सॉल्ट है आई थिंक, सो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च जिसको लोग कहते हैं, और भी कुछ होगा नहीं कह सकते। ये चीज़ें यहाँ पे मिलती है 30 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ में मिक्स करके दिया जा रहा है, 20 रुपीज़ में सिंपल है। दोनों दो प्लेट तो किस तरीके से हर नारियल के ही अंदर से, तो ये पहचान कैसे होता है कि हाँ इस नारियल में निकलेगा ही? अच्छा इससे पहचान है ना, ये जब निकलता है तब। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप सामने देख रहे हो ना, यही टीपू सुल्तान का गढ़ है। सो यहाँ से अभी हम लोग चलेंगे, ये मेन एंट्रेंस गेट है, इसके अंदर से ही एंट्री होती है। फ्रेंड्स आप काठपड़ी जंक्शन से जब आते हो सीएमसी हॉस्पिटल, तो ये सीएमसी हॉस्पिटल का ये कैंपस यहाँ से शुरू हो जाता है, ये पूरा उसी का कैंपस है। सो इसी मोड़ से मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो आज हमारा सीएमसी फ्लोर में चौथा दिन, और अभी हर दिन की तरह फिर से सुबह में निकले हैं पानी और चाय लाने के लिए मार्केट में। आज का मौसम भी भाई बहुत सुहाना है, फिर उसी शॉप में चलेंगे और वहाँ से पानी खरीदेंगे। सो भाई हमने पानी और दूध ले लिया और अब जा रहा हूँ रूम पे, और आज संडे का मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत। आज का मौसम बहुत कूल है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, और मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले हमारा यही काम होता है डेली का। 3 दिन हो गया, मतलब आज चौथा दिन है, तो 3 दिनों में यही कर रहा था मैं तो। और हमारा अपॉइंटमेंट अब फिर मंडे को है यानी कि कल, और उसके बाद फिर फ्राइडे को है यानी कि 26। अब फ्रेंड्स आप काठपड़ी जंक्शन से जब आते हो सीएमसी हॉस्पिटल, तो ये सीएमसी हॉस्पिटल का ये कैंपस यहाँ से शुरू हो जाता है, ये पूरा उसी का कैंपस है। सो इसी मोड़ से इस कौन सा चौक बोलते हैं इसको भैया? इसको बोलता है ओल्ड बस स्टैंड चौक। अच्छा ओल्ड बस स्टैंड भी आप इसको चौक बोल सकते हो। हम लोग बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। अच्छा तो आपको दिखाया जाएगा कि वहाँ से बस भी मिलता है काठपड़ी के लिए, 10 रुपया उसका चार्ज होता है काठपड़ी तक का, और लेडीज के लिए फ्री। यहाँ ओल्ड सिटी तमिलनाडु में लेडीज फ्री कॉस्ट में बस में ट्रेवल कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं पे करना होता है। नहीं ये नया चीज़ जाना ब्रो में, यहाँ पे आप कोई भी बस अगर लेते हो और अगर लेडी हो तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करने भाई, ये बहुत बड़ी बात है। और फ्रेंड्स ये जो मैं सामने आप देख रहे हो जहाँ पे बसेस बहुत सारे लगे हुए दिख रहे हैं, यही यहाँ पे वेलोर का बस स्टैंड है जिसको ओल्ड बस स्टैंड भी कहा जाता है। और यहाँ से आप कहीं भी जाने के लिए बसेस, काठपड़ी जंक्शन जाने के लिए बस ले सकते हो, और भी बहुत सारे जो भी रूट है ना यहाँ पे, वहाँ पे जाने के लिए आपको बसेस मिल जाएंगे। अच्छा बस का इंक्वायरी काउंटर भी है फ्रेंड्स यहाँ पे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे तमिल में लिखा हुआ है इधर, तो यहाँ पे आप आके बस का इंक्वायरी कर सकते हो कितना नंबर बस जाता है नहीं जाता। और भाई इस मतलब इस बस स्टैंड का एक एंट्रेंस जो है वो खुल जाता है सीएमसी हॉस्पिटल की तरफ, और दूसरा एंट्रेंस आ जाता है इधर टीपू सुल्तान का गढ़ की तरफ। क्या बात है, टीपू सुल्तान टेम्पल, टेम्पल टीपू सुल्तान टेम्पल कहा जाता है। अच्छा ये देखो फ्रेंड्स, इधर से आपको रोड क्रॉस करने के लिए आपको इस तरीके का एक ओवरब्रिज मिल जाता है, फुट ओवरब्रिज, और उस पर चढ़ना होता है, उसके बाद रोड क्रॉस करना होता है। उधर वो हो गया टीपू सुल्तान का गढ़, और यहाँ पे ये सारा जो आप देख रहे हो ये ओल्ड मार्केट इसको हम लोग बोलते हैं, जितने भी आपको शॉप दिख रहे हैं या फिर इसके अपोजिट साइड में भी, वो सारा आपको ओल्ड मार्केट के अंदर में आ जाता है। ये देखो ये पूरा ओल्ड मार्केट के अंदर में चला आता है, और ये मेन बाज़ार हो गया, ये रास्ता हो गया गोल्डन टेम्पल वाला। अच्छा जो सोने का मंदिर है गोल्डन टेम्पल, जो लक्ष्मी माता को समर्पित किया हुआ है, उसमें आपका 3,000 करोड़ का सोना उसमें लगा हुआ है, 300 टन। अच्छा फ्रेंड्स तो ये रास्ता जो आप देख रहे हो सामने गोल्डन टेम्पल की तरफ चला जाता है, और यहाँ जाने के लिए आपको बसेस वही बस स्टैंड से मिल जाएगा, 10 रुपये में सीधा, कितना मुझे लगता है 7-8 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ। और ये सारा का सारा मार्केट आपका ओल्ड मार्केट के अंदर में जाता है। अच्छा इसका ऑफिस के अंदर। अच्छा ये पूरा बिल्डिंग के अंदर, और इधर आपको टीपू सुल्तान का गढ़ मिल रहा है फ्रेंड्स, ये जो आप सामने देख रहे हो ना यही टीपू सुल्तान का गढ़ है। सो यहाँ से अभी हम लोग चलेंगे, ये मेन एंट्रेंस गेट है, इसके अंदर से ही एंट्री होती है। नारियल का कुआ भाई देखो किस तरीके से हर नारियल के ही अंदर से, तो ये पहचान कैसे होता है कि हाँ इस नारियल में निकलेगा ही? अच्छा इससे पहचान है ना, ये जब निकलता है तब ये खाने लायक होता है, बड़ा टेस्टी भी होता है। तो कितना अन्ना?
50 रुपए 40 रुपए। ये देखो फ्रेंड्स किस तरीके से आम को भाई डिजाइन से काटा गया है अन्ना भाई, अमेजिंग सा ये लग रहा है। कितना इसका दाम है? 3 का नहीं मिलेगा? 3 रुपए ये खाए, खा पाइएगा खट्टा? ये खट्टा खा पाइएगा? गजब का डिजाइन से काटा गया था लेकिन। और यहाँ पर मंदिर के आसपास में थोड़ा सा मार्केट भी है, कुछ वहाँ जाना है? हाँ वहाँ जाना है। वो क्या है? सामान वामान मंदिर का, जैसे धार्मिक चीज बिकता है। अच्छा, यहाँ पे कट फ्रूट्स जो हैं वो मिलते हैं, सो अभी हम लोग उसको खाएंगे। सो ये देखो भैया ले रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पे मिलती है 30 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ में मिक्स करके दिया रहा है, 20 रुपीज़ में सिंपल है। दोनों दो प्लेट लेते हैं, दोनों में से दोनों। भैया मसाला खुद से निकाल रहे हैं इसमें। ज्यादा हो जाएगा? ये देखो भाई यहाँ पे लंबा लंबा सा पपीता होता है, भाई एक पकड़ लेते हैं। उस पर नहीं रखिए, जूठा हो जाएगा ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे निकलने के बाद बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन टाइप फील हो रहा था, तो फ्रूट्स हमने ले लिया है, कट फ्रूट्स यहाँ पे मिलता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मसाला काफ़ी अच्छा होता है ना, जो कि आई थिंक तो 20 रुपीज़ पे करने होते हैं एक प्लेट के। तो आप यहाँ पे आके इसको भी इंजॉय कर सकते हो। आई थिंक तो बंगाल में ये काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है ऐसा। गर्मी है ना, तो ये फ्रूट हमेशा चलता है यहाँ पर गर्मी। बंगाल में एक टेम्पल था दक्षिणेश्वर टेम्पल, वहाँ पे ऐसी चीज़ों बहुत सारे बिकते हैं। मसाला में क्या होता है? बहुत अच्छा अच्छा मसाला, ये लोग अपने हिसाब से लोग बनाते हैं, लोगों को नॉलेज नहीं है। हाँ सॉल्ट है, आई थिंक तो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च जिसको लोग कहते हैं, और भी कुछ होगा नहीं कह सकते। ये पपीता है और ये हम दोनों हैं। अच्छा है, काफ़ी यूनिक लग रहा है, मतलब आप कहते हैं ना स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड में इसको ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं थोड़ा छत पे, कपड़ा डाला हुआ है, सो कपड़ा भी लेना है, उतारना है हमें में, और थोड़ा सा कपड़ा डालना भी है। तो यही एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, थर्ड फ्लोर पे चलना पड़ता है भाई। और आज मौसम अच्छा था सुबह में, जैसा कि हम बता रहे थे, उसके बाद थोड़ा सा घूमने चले गए, और जैसे ही घूमने गए भाई काफ़ी ज़्यादा धूप हो गया यार। आस पास में सिर्फ यहाँ पे रूम लगा होता है, बहुत सारे सारे पेशेंट जो है ना इधर ही रहते हैं। और ये देखो ये छत, और इधर जितना मकान आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये सारा लॉज है, और सारे में ही पेशेंट वगैरह जो है वो ठहरे रहते हैं, ये जितना भी लॉज देख रहे हो आप। और वो मेन रोड हो गया, वहीं से एंट्रेंस गेट है इसका। इधर आप ये सब सारा जितना देख रहे हो, देखो सबके छत पे कपड़ा वगैरह डला हुआ आपको मिलेगा, ये सारा लॉज है। तो फ्रेंड्स अभी इवनिंग हो गया, और हम लोग वो जो मैंने आपको बताया था कि टीपू सुल्तान का जो गढ़ है वहाँ पे एक टेंपल है, सो वहाँ पे अभी घूमने आ गए हैं हम, मम्मी और ये भाई साहब। सो अभी यहाँ घूमेंगे मंदिर में, उसके बाद एक पार्क भी है बाहर में, मैंने आपको दिखाया भी है कई वीडियो में, सो वहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे, उसके बाद रूम पे जाएंगे। तरीके का फ्रेंड्स मिला है ये नारियल के अंदर का जो निकलता है कोआ, और सर अच्छा लग रहा है, मीठा मीठा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अभी हम आ गए हैं यही टीपू सुल्तान के गढ़ के जस्ट पीछे एक पार्क है, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने, और 4 दिनों से यही हो रहा है, तो 4th दिन भी यही हो रहा है, शाम के समय थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने हम लोग पार्क में आ जाते हैं। कल भी आ गए थे पार्क में, जैसा कि आपको मेरे वीडियो में भी देखा था। हाँ पहला दूसरा दिन नहीं आ पाए थे, क्योंकि पहला दिन तो सारा दिन घर पे रह गया, और दूसरा दिन हॉस्पिटल में ही रह गया। ये हमारे पीछे आप देखो, ये पूरा टीपू सुल्तान का गढ़ है, और हमारे पीछे आप इधर डिज्नीलैंड लगा हुआ देख सकते हो, एक ताजमहल टाइप का दिख रहा होगा, और इधर मम्मी ताजमहल बनाया गया है, वो तो है ना वहाँ पे, मैं दिखाऊंगा उसको फ्रंट व्यू से।
और इधर हैं हमारे भाई साहब। है देखिए मार दिया। है चाय भी हो गए बाहर, यहीं पर मिलेगा। शाम के समय यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाता है दोस्तों, जब लोग आते हैं टाइम स्पेंड करते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, उस तरफ में डिज्नीलैंड लगा हुआ है। देखो ताजमहल बना हुआ है, नॉर्मल ऐसे आर्टिफिशियल ताजमहल बनाया गया है, और क्या अच्छा लगे। हाँ लाइट वगैरह लगा के उसको बहुत सुंदर सा बना दिया गया। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए रूम पे, और मार्केट से आते आते इट मीन जब पार्क में आपने देखा था कि पार्क हम लोग गए हुए थे, तो पार्क से आते आते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, और आते वक्त थोड़ा सा मम्मी लोग जो है मार्केटिंग भी करने लग गए, सो वो चीज़ें में लग गए। और उसके बाद हमारे यहाँ अभी क्या है ना कि मतलब यहाँ अगर आप आओगे वेलोर में, तो मेरा तो खास करके पर्सनली दो चीज़ें, मतलब सुबह की शुरुआत जो हो रही है वो पानी लाने से हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि 3 रुपये लीटर यहाँ पे ख़रीदना पड़ता है पीने के लिए। और रात के सोते वक्त भी अभी गया था मैं और पानी लेकर आया 3 रुपये लीटर, कहीं कहीं पर 4 भी है। सो वो चीज़ें हैं, और मार्केट से थोड़ा सा लेट हो गया था आने में, और कल है मंडे तो कल हमें जाना है हॉस्पिटल भी, क्योंकि कल का अपॉइंटमेंट है, सो कल वहाँ जाना है। इसलिए आज का ब्लॉग जो है हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको यह ब्लॉग कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। हाँ एक चीज़ और, अभी खाना वगैरह नहीं पका है, सो अभी प्याज वगैरह सही रखा हुआ है यहाँ पे, देखिए वो चीज़ें अभी पकने वाला है। सो ओके, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर।